नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। विजयदशमी के अवसर पर गाजीपुर के लंका मैदान में रावण दहन किया गया। रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला मंचन के दौरान रावण के 70 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। जिलाधिकारी के बालाजी ने रिमोट से रावण के पुतले का दहन किया। इससे पूर्व लंका मैदान में श्री राम और रावण के युद्ध प्रसंग का मंचन किया गया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ दशानन रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी के मौके पर आयोजित रामलीला में इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। आप देख रहे हैं महताब आलम की रिपोर्ट। विजयदशमी का दिन है, अभी रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा को मनाया गया है और प्रशासन और पुलिस विभाग के स्तर से पूरे लोगों को साथ दिया जा रहा है, एक दूसरे को भी सहयोग कर रहे हैं। मेरे तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सारे लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम सभी जनपद वासियों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, ये त्यौहार हमें इसका संदेश देता है और हम सभी लोगों को अपने जीवन से काम, क्रोध, मतलब इन शुभ बुराइयों का दूर करके अपने जीवन को सुख और समृद्धशाली बनाना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।